अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में राममय माहौल नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी भी हनुमान भक्ति में जुट गई है। पार्टी ने आज से दिल्ली में हर मंगलवार को सुंदर कांड के पाठ के आयोजन को लेकर काम किया है। पार्टी दिल्ली के हर विधानसभा में हर माह के पहले मंगलवार को सुंदर कांड का आयोजन करेगी। विधानसभा स्तर के बाद निगम वार्ड स्तर पर और उसके बाद मंडल स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि केजरीवाल को हनुमान भक्त माना जाता है। दिल्ली और पंजाब में चुनाव जीतने के बाद वे हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर गए थे। दिल्ली सरकार के मंत्री और वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राम मंदिर बनाना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि राम जी के नाम और हनुमान जी की भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो सवाल उठा रहा है वह गलत सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए हम लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो हमने इसका स्वागत किया। राम मंदिर बन रहा है, यह हम सब के लिए बहुत गर्व व उल्लास की बात है। उल्लेखनीय है कि आगामी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम होना है। इस मामले पर विपक्षी दल भाजपा और केंद्र सरकार पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं।